स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। और इंग्लिश में स्टूडेंट्स, आज हम एक नया लेटर लिखना सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, टेक आउट योर इंग्लिश CW बुक एंड ओपन योर बुक पेज नंबर 32 एंड 33। आज हम ये दोनों पेज वर्क करने वाले हैं, ओके। और इसमें क्या है, कैपिटल लेटर V एंड स्मॉल लेटर V, ओके स्टूडेंट्स। तो चलो हमारे राइटिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे है स्मॉल लेटर V, राइट। और यहाँ पे टू पिक्चर्स भी है, तो चलो देखते हैं पिक्चर कौन कौन से है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे कौन सा पिक्चर है, ये वायोलिन, V फॉर वायोलिन, राइट। और फिर यहाँ पे देखो ये कौन सा पिक्चर है स्टूडेंट्स, वैन, V फॉर वैन, ओके। और स्टूडेंट्स V की साउंड आपको ऑलरेडी पता ही है, कौन सी साउंड है वो, यस व, वो अपने सनशाइन में सीख लिया ना वो, वेरी गुड। तो चलो अभी हम हमारी राइटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे कैपिटल लेटर V। तो चलो कैपिटल लेटर V कैसे होता है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, स्लैंटिंग लाइन ऐसे बनानी है और फिर यहाँ से आपको अप स्लैंटिंग लाइन ले जानी है। तो ये बन गया कैपिटल लेटर V। नाउ अगेन हम करेंगे, आपको स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे से स्लैंटिंग लाइन, और वहां से भी
small letter V and V for vulture. Now next one students, यहाँ से हम करके slanting line और फिर यहाँ से भी up slanting line. Okay? चलो now third line करेंगे. यहाँ पे middle line पे हम करेंगे slanting line और फिर यहाँ से भी up slanting line करेंगे, but only middle line में ही. So ये कौन सा letter बनेगा? Letter V, but small letter V. Okay? चलो now next one करेंगे. Small letter V. V for vegetables. Now next one. Slanting line, up slanting line. Small letter V. V for violin. Now last one students. Small letter V. V for bag. V for watcher. ऐसे कई सारे pictures हैं जो आप बोल सकते हो students. तो आपको small letters की जो नीचे की lines हैं वो भी इसी तरह से complete करनी है. उसी के साथ साथ students आपको English की HW book निकालनी है. Then open your book page number 32 and 33 जो अभी हमने work किया वही same work आपको HW की book में करना है. तो अच्छे से work करना.